आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। हरियाणा के मंत्री मूलचंद शर्मा ने अवैध खनन पर कही बड़ी बात, नकेल कसने को बड़े कदम के दिए संकेत। हरियाणा और एनसीआर में अवैध खनन रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद जारी है। अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर रोक लगाना बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। खनन माफिया राज्य में किस कदर बेलगाम हो गए हैं, इसका उदाहरण नूह में ट्रक से कुचलकर डीएसपी की हत्या की घटना है। ऐसे में राज्य के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा का कहना है कि अवैध खनन पर रोक के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे और सभी संबंधित विभागों को इसके लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी। 19 जुलाई को मेवात क्षेत्र के नूह जिला में पंचगांव से लगती अरावली की पहाड़ियों में खनन माफिया ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह को डंपर से कुचल दिया। डीएसपी की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद से राज्य में अवैध खनन को लेकर एक बहस छिड़ गई है। अरावली संरक्षण के लिए वर्षों से काम कर रहे पर्यावरणविदों ने इसे रोकने के लेकर अपने कुछ सुझाव दिए हैं। इन सुझावों और सवालों को लेकर दैनिक जागरण ने राज्य के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा से बातचीत की। प्रस्तुत है इस बातचीत के अंश। इससे कुछ जानकारी स्तर पर प्रशासनिक तो कुछ गैर सरकारी कारण है। सरकार की सख्ती और जन जागरण अभियान के बिना कोई कानून व्यवहारिक रूप से लागू नहीं होता। हम ये तो मानते हैं कि अवैध खनन रोकने में कहीं चूक जरूर हुई है, मगर ये नहीं मानते कि इसे रोकने में हमारी नियत में कमी है। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।